चलिए बातचीत शुरू करें। सर, आज के क्लास में आप क्या करवाने वाले हो और आपका आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, आज अपने लोग का लिमिट से जितना भी कंसेप्ट था उससे हाथ जोड़कर विनती होगा कि टाटा और नहीं करना। अब लिमिट तुम अपने लिमिट पर रहो, ठीक है? अपने ये बात बोल देंगे, ठीक है, लिमिट्स को। चलो सर, बातचीत शुरू करो। ओके, आज के टॉपिक में क्या क्या कवर होने वाला है और किस ऑर्डर में कवर होने वाला है वो भी मैं आप लोग को बता दूं। सर, टॉपिक नंबर वन, मतलब जो आज का फोकस रहेगा, जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को कहा था कि एक सम आता है कंटिन्यूटी का, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है, वो मैं आप लोग को करवाने वाला हूं। उसके बाद कुछ अच्छे डाउट्स आप लोगों के तरफ से आए जिनको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, राइट? उसके बाद सर दो कॉन्सेप्ट्स, ई द पावर एक्स से रिलेटेड और ए द पावर एक्स से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम है, एक एक थ्योरम है, वो थ्योरम और उसका एक एक दो सम अपने करने वाले हैं, ठीक है ना? एंड इट्स इनफ, ठीक है सर, ऑल राइट सर। तो कंटिन्यूटी बेस्ड क्वेश्चन क्या है सर, जरा हमें बताना प्लीज। हम बोला ओके, बताता है, प्लीज ध्यान दीजिए। ऑल राइट, कंटिन्यूटी बेस्ड क्वेश्चन। सर, कभी भी किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस अपने कब बोलते हैं? दोस्तों, अपने लोग या आप लोगों को याद होगा कि हमने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड से एक्स का वैल्यूज जो अप्रोच कर रहा है और राइट हैंड से जो एक्स का वैल्यूज अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, अगर वो एग्जैक्टली एक हो, इसका मतलब अपने लोग पढ़े थे कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि एक्स अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग फ्रॉम राइट अगर बराबर हो, तो अपने पढ़े थे लिमिट एग्जिस्ट्स। यस, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। ओके, अब नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, अब एक बात और आपसे करनी है। सर, क्या करनी है जरा प्लीज ध्यान से देखो। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल हो। सर, याद दिलाइए ना, कुछ ठीक ठीक सा याद नहीं आ रहा है। हम बोला ठीक है, एक बार याद दिला देता है। मान लो एक फंक्शन एफ एक्स कुछ इस प्रकार है कि उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस वन होती है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, या आई वुड से जब एक्स ग्रेटर देन थ्री रहता है, ठीक है, ग्रेट सर। उसकी वैल्यू फोर होती है, उस फंक्शन की वैल्यू फोर है अगर अगर एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू थ्री है। और लिमिट्स में तो अपने एग्जैक्ट वैल्यू से डील करते ही नहीं थे, हाँ सर, ठीक बोलते हो। और मेरे दोस्तों अगर एक्स लेस देन थ्री है तो अपने लोग क्या सीखा था सर? फिर अपने लोग सीखा था कि उस केस में अपने लोग कर सकता है 5 - x, मान लो ये, ठीक है ना? अब सर, अब आप बताओ कि आप कहना क्या चाहते हो। हम बोला देखो ध्यान से, अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करना है, सुनो, अगर ये एक ऑर्डिनरी लिमिट का सम होता और क्वेश्चन होता बता इफ लिमिट एग्जिस्ट्स और लिमिट कौन सा एग्जिस्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 f(x), तो अपने क्या करते, तो अपने बोलते कि भैया बात ऐसा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया अपने लोग का एक्सटेंडिंग टू 3 - मतलब x से x2 कॉम f(x) वुड हैव बीन इक्वल टू x + 1, और फिर अपने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो अपने पास 3 + 1 4 आता, बराबर सर? बराबर। ये तब करते जब अपने लोग को लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करना होता, फिर राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 + f(x) इज इक्वल्स टू कितना होता, 5 - x, ठीक है? तो हाँ सर, सुनिएगा, यहां पर इसको 5 - x की जगह अपने लोग थोड़ा सा
चेंज करके 7 माइनस एक्स लिख देते हैं, बिकॉज इट विल सर्व अवर पर्पस, ठीक है ना, इट विल सर्व अवर पर्पस, मेरे को जो समझाना है आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट। तो अगर x की जगह अपने 3 बैठाए 4 आया, मतलब अपने बोले खूब बालो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट, सही बात है। लेकिन हम क्या बोल रहे आपको, अगर क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है इज द फंक्शन कंटिन्यूअस, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस, सर हम कंटिन्यूटी पे ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे ज्यादा सम्स आने का चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी एक टच देना, एक फ्लेवर देना जरूरी है। तो एक फंक्शन कंटिन्यूअस तब है सर जब, ध्यान से सुने, एक फंक्शन कंटिन्यूअस तब है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो ही, साथ में जब x एग्जैक्टली 3 है, सुनो, जब x एग्जैक्टली 3 है, जब फंक्शन एग्जैक्टली 3 है, x एग्जैक्टली 3 है तो भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि देखो ना, जब x एग्जैक्टली 3 है तो भी 4 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4, राइट हैंड लिमिट भी 4 और एग्जैक्टली 3 पर भी 4, तब हम लोग बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक्चुअली ये कंटिन्यूअस वर्ड आया कहां से आप लोग जानना चाहोगे, हाँ सर हम लोग जानना चाहेगा, जरा बताइए, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस वर्ड इसलिए आया ना दोस्त, ये कंटिन्यूअस वर्ड इसलिए आया बिकॉज अगर आप लोग एक ग्राफ पेपर को देखें, अगर एक ग्राफ पेपर को देखें आप, ये देखें यहां पे हम प्लॉट किया, तो मान लें आप कि x 3 है, ठीक, x 3 है, तो fx कितना है, लेट से fx अपने लोग का 4 आया, करेक्ट, मतलब राइट हैंड लिमिट 4 आया, और x 3 से थोड़ा सा कम है तो भी 4 आया, बराबर, हाँ सर बराबर, 3 से थोड़ा सा कम है तो भी 4 आया। हम क्या बोल रहे हैं, हम आप लोग को क्या बोल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन एक्चुअली 3 से थोड़ा सा कम है ना, तो मेरे को एक्चुअली करना क्या चाहिए, हम बता देते आपको, यहां पर प्लॉट कर देता, थोड़ा सा कम, एक टू कम तो भी आपका 4 आया। तो अभी तक आपका ग्राफ कैसा प्लॉट हो रहा है मालूम है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है ना, तो यानी कि अगर आप इसको ज्वाइन करो तो ये है, एक फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है, एक फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब एग्जैक्टली 3 हो तब, ये देखो ये जो है ये 3 माइनस है, ये 3 प्लस है, एग्जैक्टली 3 मान लो इसके थोड़ा सा बीच में है, अगर एग्जैक्टली 3 होगा, अगर एग्जैक्टली 3 होगा तब ना आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सर नहीं समझ में आया बात, हम बोला ठीक है इसको थोड़ा सा और अंदर लेकर चलते हैं, थोड़ा सा और अंदर लेकर चलते हैं, चलो देखो बात को, ये 3 है, ये 3 है, लेकिन अपने क्या पढ़े, 3 से थोड़ा सा कम हो तो, मतलब 3 माइनस थोड़ा सा कम और 3 से ज्यादा हो तो सर अगर 3 से थोड़ा सा कम हो तो वैल्यू 4 आता है लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 से थोड़ा सा ज्यादा हो तो भी वैल्यू 4 आता है, करेक्ट। तो ये यहां पर प्लॉट हो गया, ये यहां पर प्लॉट, लेकिन क्या आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो, नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली 3 पर जब तक 4 नहीं होगा तब तक आप एग्जैक्टली एक ऐसा लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते बिना पेन उठाए, करेक्ट, हाँ सर। तो अब क्योंकि 3 पर भी 4 है, क्योंकि 3 पर भी 4 ही है, तो अपने लोग अब कंटिन्यूअस लाइन ग्रीन वाला ड्रॉ कर दिया, हाँ सर, दैट मींस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये लॉजिक होता है, इसलिए नाम पड़ा कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया, हाँ सर आपका बात टोटली समझ में आया, सर आपका बात टोटली समझ में आया, एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म कि आप लोग को ये कंटिन्यूटी का लॉजिक समझ में आ गया, जिससे हम एक क्वेश्चन करें एंड देन आप लोग का डाउट्स पे चले, कम ऑन कंफर्म करिए प्लीज। एवरीबॉडी कंफर्म करिए प्लीज, हाँ भैया ठीक है, स्वयं को क्लियर है, व्हाट अबाउट अदर मेट्स, ऑल राइट, गरिमा, स्वयं, देवांश, व्हाट अबाउट अदर्स, गुड, फटाफट रिस्पॉन्ड करें, वाओ, ओके सृष्टि, ओके सानवी, चलो परफेक्ट, ऑल राइट हितेश, चलो और भी लोग हैं लेकिन ठीक है, ठीक है सर, चलिए बात को आप आगे बढ़ाइए, ऑल राइट, अमेजिंग अमेजिंग ब्रिलियंट, ठीक है, ठीक है यश, कनिष्क, ऑल राइट, सर देखें आप बात को आगे, देखें आप ये वाला क्वेश्चन को देख लीजिए प्लीज, है ना, हाँ, फाइंड के सच दैट, फाइंड के
सच दैट, अपने को बोल रहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब आप बोल रहे हैं कि अपने को बोला है फंक्शन कंटिन्यूअस है, हाँ अपने को बोला है फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये गिवन है, ठीक है सर, ऑल राइट। अब आप क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सर दो बातें हैं, पहला के कॉस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स ये है, कब कब, जब एफ, जब एक्स जो है आपका पाई बाई टू नहीं है, याद करो पाई बाई टू नहीं है, मतलब इसको अपने यूज करेगा किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, फिर से अपने इसको कब यूज करेगा, अपने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए यूज करेगा, बराबर। और अब यहां पर तो इफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, देन अपने अपने को बोल रहा है कि तब फंक्शन का वैल्यू 3 है, और आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि कंटिन्यूटी में तो एग्जैक्ट वैल्यू एट दैट वैल्यू, नहीं समझ में आया, एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन का एट एक्स का वैल्यू अपने को दिया हुआ होना जरूरी है ना। हाँ सर बिल्कुल सही कहते हो, हाँ सर बिल्कुल सही कहते हो, हाँ सर हाँ सर कंटिन्यू करता है, होल्ड ऑन, ओके। सो एक बार फिर से बोलिए सर, एक बार फिर से बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, फाइंड के सच दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जहां अपने को बोला एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू एंड इज इक्वल टू 3 इफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, बराबर। हाँ सर बराबर, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए अपने को बोला कि भाई सुन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए तेरे को अगर यूज करना है तो तुम ऊपर वाला को यूज कर, मतलब के कॉस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स को यूज कर, ऑल राइट सर। एंड अगर एग्जैक्ट वैल्यू पाई बाई टू पे चाहिए तो वो 3 है फंक्शन का, ठीक है। अब सर आपको पता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई बाई टू, ये बात आप लोगों को पता है, बराबर। हाँ सर ये बात अपने को पता है, हाँ सर ये बात अपने को पता है। अब आप लोग ध्यान से सुने, अगर अपने को ये बात पता है कि कंटिन्यूअस है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखें आप लोग, ठीक है, हाँ सर, और इसका राइट हैंड लिमिट आप लोग देखें पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट का लॉजिक क्या था, सुनो, लेफ्ट हैंड लिमिट का लॉजिक क्या था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, मतलब पाई बाई टू से एक्स की वैल्यू थोड़ी सी कम है तो जो फंक्शन आएगा वो, और राइट हैंड लिमिट का लॉजिक क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस, मतलब पाई बाई टू से थोड़ा सा ज्यादा, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट, बराबर। हाँ सर, तो सर सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, इसी को निकालना। अब आप लोग दिमाग लगाओ, आप लोग को याद है पाई बाई टू माइनस एच और पाई बाई टू प्लस एच वाला चक्कर, हाँ सर हम लोग को याद है। अब आप लोग को यहां पर वो लगाना पड़ेगा, एच वाला रूल यूज करना पड़ेगा। सवाल आएगा सामने से क्यों, हम आप लोग से पूछता है, आप लोग बताओ क्यों, कम ऑन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, कि क्यों लगता है आप लोग को कि हम लोग को वो यूज करना पड़ेगा, क्यों अपने को एच वाला रूल यूज करना पड़ेगा, ये बताओ आप लोग मेरे को, मेरा क्वेश्चन ये आप लोग से। बताइए क्यों, नहीं नॉट एग्जैक्टली, सोचिए क्यों यहां पर माइनस एच वाला यूज करना है। देखो दोस्त, हम बताता है, वेरी गुड,
वेरी गुड, क्योंकि 0/0 हो जाएगा। वेरी गुड, देखो नॉर्मली अपने क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में पाई बाय टू बैठा देते हैं, राइट हैंड लिमिट में भी पाई बाय टू बैठा देते हैं। यहां पर अगर ऐसा करते, सुन लो मेरा टोन सुनो, यहां पर अगर ऐसा करते तो क्या प्रॉब्लम होता, सुनने की कोशिश करो। ऑल राइट सर, बोलिए सुन रहा है, सुनने की कोशिश करना। हाँ सर बोलिए सुन रहा है। सर अगर ऐसा करते हम इसको इरेज कर देगा, हाँ हम इसको इरेज कर देगा तो होता क्या, अगर आप पाई बाय टू वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो के कॉस पाई बाय टू माइनस पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू आ रहा है। दिमाग लगाओ, कॉस पाई बाय टू क्या होता है, जीरो, यानी कि के इंटू जीरो बाई पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू, टू टू गया पाई माइनस पाई जीरो, तो ये आपका 0/0 फॉर्म आ गया। हम क्या बोला था, 0/0 फॉर्म में जब अटक जाए लेफ्ट हैंड लिमिट में या राइट हैंड लिमिट में तो फिर आपको एच का याद आना पड़ेगा। किसका याद आना पड़ेगा सर, एच का याद आना पड़ेगा। सर हम लोग अग्री करता है, सर हम लोग अग्री करता है। तो देखो ध्यान से, तो हम लोग कैसे लिखेगा इसको, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अभी ध्यान से सुनना, एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एच, क्योंकि अब एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एच लगाओगे, एच इज अ वैल्यू वेरी क्लोज टू जीरो, एच इज अ वैल्यू वेरी क्लोज टू जीरो, और पाई बाय टू माइनस एच आप लगाओगे। हाँ सर लगाएगा, तो आपका क्या आएगा, के, ध्यान से सुने, हाँ सर बोलिए, के कॉस पाई बाय टू माइनस एच होल डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू। एक्स की जगह अपने लोग क्या लिखेगा सर, एक्स की जगह अपने लोग पाई बाय टू माइनस एच लिखेगा, बराबर सर। अब अपने काम करते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को जब अपने सॉल्व कर रहे हैं तो ये राइट हैंड लिमिट को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ सर, अब ध्यान से देखें आप लोग, तो सर होगा क्या, के कॉस, अच्छा यहाँ पर सर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो भी लिख दीजिए, करेक्ट लिखना पड़ेगा, लिमिट लिख दिया। और बोलिए सर आप, अब कॉस पाई बाय टू माइनस एच है, सुनो कॉस पाई बाय टू माइनस एच, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो सेम लॉजिक से के साइन एच होगा वो। सर सही कहते हो आप, सर सही कहते हो आप। और हम आगे बोलता है, और हम आगे क्या बोलता है, हम बोलता है कि ध्यान से देखें आप लोग, पाई ऐसे कैसे माइनस टू इंटू पाई बाय टू कितना होगा, माइनस पाई, माइनस टू इंटू पाई बाय टू कितना होगा, माइनस पाई, और सर माइनस टू इंटू माइनस एच कितना होगा, माइनस टू इंटू माइनस एच कितना होगा सर, प्लस टू एच होगा ना सर, हाँ सर होगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहा है, तो यानी कि अच्छा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सर आप नहीं लिखे, सॉरी, तो यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखें आप इसको आप लिख सकते हो के साइन एच पाई माइनस पाई खत्म, टू एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। हम क्या बोल रहे हैं कि जो के है ऊपर में और नीचे में टू है, ये कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लो, तो आपके पास क्या बचा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाई एच। और एक बात बताना, क्या आप लोग का वो स्टैंडर्ड रूल नहीं पड़ा हुआ है कि इफ एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाई एच तो वो क्या हो जाएगा, वन, तो के बाई टू इंटू वन कितना हो गया, के बाई टू हो गया सर, बराबर बात, सर बराबर बात। अभी सुनो, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में किया वैसे ही राइट हैंड लिमिट में भी करो, राइट हैंड लिमिट में भी सेम रूल होगा, सेम फंक्शन यूज होगा, के कॉस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब लेफ्ट हैंड में भी वही एप्लीकेबल है, राइट हैंड में भी वही एप्लीकेबल है, करेक्ट। तो अगर आपने लिखे लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ध्यान से देखें आप लोग क्या होगा, क्या होगा, एफ पाई बाई टू प्लस एच दिस टाइम, प्लस एच दिस टाइम, बराबर, हाँ सर बराबर, विच विल गिव यू वॉट। अब देखो यहां पर x की जगह पाई बाई टू प्लस एच लगाओगे, हाँ सर लगाएगा, तो क्या आएगा, k cos पाई बाई टू प्लस एच होल डिवाइडेड बाई, आपका कितना था सर, पाई माइनस टू एक्स था ना, तो पाई माइनस टू इंटू एक्स की जगह अपने लोग पाई बाई टू प्लस एच लगा दिया सर, बराबर। और ऑब्वियसली लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जब तक सम सॉल्व नहीं हो लिखते जाना है, लिखते जाना है, तो यानी कि क्या होगा, के कॉस पाई बाय टू प्लस एच है ना गाइस, कम ऑन टेल मी समथिंग, अगर के कॉस अपने लोग का पाई बाय टू प्लस एच है, सुनो पाई बाय टू माइनस एच होता तो साइन एच होता, पाई बाय टू प्लस एच है, पाई बाय टू प्लस एच है, मतलब आप किधर जा रहे हो, इधर देखो ये पाई बाय टू है, प्लस एच है, मतलब आप इस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और आपका फंक्शन क्या है, कॉस, तो यानी कि माइनस साइन एच हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय टू है तो कॉस साइन तो बदलेगा, कॉस बदल के साइन हो जाएगा, बिकॉज जब भी ऑड होता है तो कॉस साइन बन जाता है, करेक्ट। लेकिन वो जो पाई बाय टू प्लस एच है उसकी वजह से वो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, और कॉस है
कॉस इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो एज अ रिजल्ट माइनस के साइन एच हो जाएगा, मतलब माइनस साइन एच, हम माइनस को सामने लगा दिया, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है, ऑल राइट। आगे बात करें सर आप, आगे बात करें सर आप, सर आगे का बात ऐसा है कि पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू क्या होगा, टू टू कट गया, माइनस पाई और माइनस टू एच है ना, क्योंकि माइनस टू इंटू प्लस एच माइनस टू एच, बराबर सर बराबर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो राइट सर, हाँ सर राइट। आगे देखें आप लोग, तो आप लोग का क्या आया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस के साइन एच होल डिवाइडेड बाई माइनस टू एच, सर सही बोलते हो, सर आप माइनस माइनस काट दीजिए, हम बोला ओके काट दिया, सर अब आप के बाई टू को बाहर ले लीजिए, हम बोला ओके ले लिया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाई एच, और सर साइन एच बाई एच क्या होता है, वन, तो ये देखो के बाई टू, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी के बाई टू आया था, चेक कर लो, राइट हैंड लिमिट भी के बाई टू आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है के बाई टू के बराबर। और एक बात बताओ ना आप लोग मेरे को, अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सुनो अपने को दिया हुआ है कि भाई साहब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो आप लोग को रूल पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट यानी कि एग्जैक्टली एट पाई बाई टू इक्वल होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे क्या है, के बाई टू है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया, के बाई टू, तो सिर्फ के बाई टू लिख दो, और एग्जैक्टली जब पाई बाई टू है, एग्जैक्टली जब पाई बाई टू है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, देख लीजिए आप लोग, सर थ्री होता है, सर कितना होता है, सर थ्री होता है, तो बस इक्वेट कर दो थ्री से, तो के आप लोग का थ्री इंटू टू सिक्स आ गया, सम खत्म, सम खत्म। सर माय डियर फ्रेंड्स प्लीज एक बार कंफर्म करिए कि आप लोग को क्लियर है, एंड अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग का क्या डाउट है, प्लीज आस्क माय डियर फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर योर डाउट, आई विल वॉच इट। बताइए सर आप, फटाफट अगर ये हो जाए तो हम आप लोग को डाउट वाला सेक्शन में लेकर जाएगा। व्हाट अबाउट अदर्स, कम ऑन, सबको एक रिस्पॉन्स चाहिए फटाफट। कुछ पूछना है तो पूछिए। ओके गुड, यस ओके सर, ये सो सर चलिए बातचीत स्टार्ट करें, सर बातचीत को आगे लेकर चलें, ऑल राइट सर लेट्स गो अहेड देन। अब ये जो है ये डाउट सेक्शन है, यहां पर हम आप लोग का डाउट्स को केटर कर रहे हैं, प्लीज गाइस हैव अ केयरफुल लुक। बोले सर आप, बोलिए सर आप, सुन रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन है आप लोग का, एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन अच्छा था, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन था कि भाई लिमिट x टेंड्स टू जीरो है, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो है, 2x बाई, 2x बाई, ध्यान से देखें आप लोग, रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और हमेशा की तरह आप लोग को पता व्हाट आई एम गोइंग टू से, सर आप ये बोलोगे ना कि सर, आप ये बोलोगे ना कि सर सबसे पहले तो आप सब्स्टिट्यूशन करना है, करेक्ट, हाँ सर, इसमें तो इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इवैल्यूएशन का है कि भाई इवैल्यूएट करके दिखाइए, हाँ सर इवैल्यूएट, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से देखें, ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपका क्या आएगा, ऊपर में जीरो आएगा, नीचे में ए रूट ए माइनस रूट ए जीरो, तो यानी कि जीरो माइनस जीरो फॉर्म आ गया आपका, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और मैक्सिमम लोगों को मालूम ही था आप लोग को कि सर ये इनडिटर्मिनेट ही आने वाला है, यस yes? हाँ सर, व्हाट नेक्स्ट सर, व्हाट नेक्स्ट सर, सर द नेक्स्ट थिंग टू डू इज रैशनलाइज, व्हाट रैशनलाइज। अब रैशनलाइज करने के लिए आप लोग को पता है क्या हथियार है हमारे हाथ में, 2x है, आगे आके इसका रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर का उल्टा, एक्चुअली आई शुड से
कॉन्जुगेट जिसको बोलते हैं, माइनस है तो प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, सर कर दिया, सर कर दिया, और बोलिए आप, हम बोला ध्यान से देखो, किया, हाँ सर किया, तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू जीरो 2x ब्रैकेट में रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, और बाजू में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, विच इज वॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज वॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ए प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस ए माइनस एक्स। सर इसको सॉल्व करो ना, अब आप लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 2x रूट ओवर ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई, आप लोग देखो अगर ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आएगा, देखो ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स बराबर ए ए खत्म, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा नीचे। हमें ना एक और स्टेप को जबरदस्ती का क्रिएट नहीं कर रहा है, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग 2x स्ट्रेट अवे हियर। गुड सर, सर जब आपने 2x डायरेक्टली यहां लिख दिया तो कट गया ना 2x 2x, अब सर 2x 2x कट गया, मुसीबत को जड़ से हटा दिए, अब x की जगह 0 बैठा लीजिए सम आ जाएगा रूट ए प्लस रूट ए, टू रूट ए इज द आंसर। एक बात और बोल रहे हैं आप लोग अपने बुक्स में या काफी जगहों पर देखोगे कि यूजिंग एल हॉस्पिटल्स थ्योरम लिखा हुआ है। सर एल हॉस्पिटल्स थ्योरम अब आप लोग का नहीं आ रहा है, आई से अगेन एल हॉस्पिटल्स थ्योरम नहीं आ रहा है, तो अगर कोई क्वेश्चन आप लोग का एल हॉस्पिटल्स थ्योरम से किया हुआ है तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग उसको इग्नोर करें, क्योंकि इट इज नो मोर वैलिड, बिकॉज इट इज नो मोर वैलिड, आप लोग उसको इग्नोर करें, ठीक है। हाँ सर क्लियर है तो हम आगे बढ़े, क्लियर है तो हम आगे बढ़े सर। यस सर क्लियर है, व्हाट अबाउट अदर्स? यस ओके ठीक है ठीक है, बातचीत आगे बढ़ाता है सर, बातचीत आगे बढ़ाइए। ओके सो दोस्तों एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जो आप लोग का आता है, या ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग का आता है, इसमें भी मिस्टेक हो रहा है आप लोग से, सो आई एम हेल्पिंग यू आउट हियर, ये भी डाउट वाला सेक्शन ही है, ठीक है। रूट थ्री प्लस एक्स माइनस रूट फाइव माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब सर सबको आदत हो गया है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, है ना। तो देखो बात ऐसा है कि जब अपने लोग x टेंड्स टू 1 बैठाएगा, जब x टेंड्स टू 1 अपने लोग बैठाएगा तो क्या होगा, देखो 3 प्लस 1 4 मतलब रूट ओवर 4 2 होता है, माइनस 2 बाई 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस 1 0, तो यानी कि बेसिकली अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें तो यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म अपना चढ़ गया, ठीक है। सर अब आप रैशनलाइज करने का सोच रहे हो क्या? हाँ हम रैशनलाइज करने का सोच रहे हैं। सर बताइए फिर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। अब हम बोलता है कि ऊपर नीचे जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है ना उसी को हटाया जाता है, तो ये रूट वाला चक्कर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसी का कॉन्जुगेट अपने लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए प्लस मल्टीप्लाई किया, रूट थ्री प्लस एक्स प्लस रूट फाइव माइनस एक्स ऊपर भी और नीचे भी, और जब तक आप लोग सॉल्व ना करें तब तक बैठाते रहें वैल्यू, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। आगे एक्स स्क्वायर माइनस वन को सर इच्छा है एक बार एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख दे, काम आया तो ठीक, नहीं तो वापस रेसिप्रोकेट कर देंगे, वापस से लिख देंगे, और क्या। एक्स टेंड्स टू वन, ध्यान से देखें आप लोग का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, आप लोग का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, विच इज वॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि थ्री प्लस एक्स माइनस फाइव माइनस एक्स, समझ रहे हो ना, रूट थ्री प्लस एक्स का स्क्वायर थ्री प्लस एक्स होता है, और रूट फाइव माइनस एक्स का स्क्वायर सर फाइव माइनस एक्स होता है,
बराबर सर। ध्यान से देखें आप लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1, 3 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, करेक्ट। हाँ सर, इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1, देखें आप लोग तो x प्लस एक्स 2x हो गया, x प्लस एक्स 2x हो गया, तो 2x और 3 माइनस 5 होता है माइनस 2, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1, ध्यान से देखें 2 कॉमन, x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बराबर सर? बिल्कुल बराबर। और बोलिए सर, और बोलिए सर कि हाउ डू वी अप्रोच एनी फर्दर, हाउ डू वी अप्रोच एनी फर्दर सर? हम बोला देखो ध्यान से, हम बोला पहले तो ये चेक कर लें कि इसमें कोई सिली मिस्टेक आपने नहीं की है। 3 प्लस बी माइनस करेक्ट है। अच्छा हाँ, एक हुआ है, पता है क्या, कि अपने लोग नीचे भी तो लिखेंगे। ओ हाँ सर, ये तो हम लोग नहीं देखे, तो देखना चाहिए ना, यही तो बोल रहा है, नीचे भी लिखेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये गलती हम जानबूझ के किया था, है ना, कि आप लोग बताते हो कि नहीं मेरे को, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम मिस्टेक किया था। और आप लोग नहीं बता पाए मेरे को, वेरी वेरी बैड। ठीक है, हाँ सर, ध्यान से देखें, तो वही चीज यहां पर भी बैठा दिया, इसको नीचे ले चलो, एक काम करो यहां पे नीचे ले चलो। ओके, सो सर बात ऐसा है, ये हो गया रूट थ्री प्लस एक्स प्लस रूट फाइव माइनस एक्स, बराबर? हाँ सर बराबर। अब आप लोग ध्यान दें, अगर अपने लोग लिखा ऐसे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, टू एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और ये जो है रूट थ्री प्लस एक्स प्लस रूट फाइव माइनस एक्स, वो तो वैसे का वैसे ही लिखना है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो देखो x माइनस वन और x माइनस वन खत्म, x माइनस वन, अच्छा अच्छा ठीक है। रोशनी बोल रही है हाँ सर हमसे गलती हो गई, ओके नो बार नो प्रॉब्लम रोशनी, ओके। तो ध्यान से सुने, अगर अपने लोग ऊपर नीचे काटाकुटी कर लिया तो अब अपने x का वैल्यू डायरेक्टली बैठा सकते हैं, y राइट लिमिट x प्लस वन, x माइनस वन, x माइनस वन खत्म, तो नीचे क्या आया, वन प्लस वन टू होल डिवाइडेड बाई रूट थ्री प्लस वन। सुने आप लोग, हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं, सुने आप लोग बात को, रूट थ्री प्लस वन कितना होता है सर? रूट थ्री प्लस वन होता है फोर, तो यानी कि टू हो गया, बराबर। वैसे ही रूट ओवर फाइव माइनस वन कितना होता है? फोर, टू हो गया, बराबर। तो आप लोग का क्या आया, टू बाई टू इंटू फोर, टू टू कट गया, आंसर वन बाई फोर। सर सब कोई को क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो हम फिर एंटर करता है थ्योरम्स ऑफ ई द पावर एक्स और ए द पावर एक्स में। सर आप लोग का परमिशन हो तो बढ़े आगे, कम ऑन फटाफट दोस्तों, वेट कर रहे हैं आप ही लोग का। नहीं, एक क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, ये दोस्त का क्वेश्चन क्या आया कि देखिए, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, हम आपको पहले ये बता देते और फिर क्यों गलत पूछा, ये क्वेश्चन क्या था पहले सुनिए। क्वेश्चन था कि सर ये जो रूट ओवर फोर है, रूट ओवर फोर है वो तो प्लस माइनस टू होता है वैसे यहां पर भी, तो फिर आप सिर्फ प्लस टू क्यों लिखे हो? हम बोला आप ये बात भूली गए जोश जोश में कि हम लोग लिमिट्स कर रहे हैं, लिमिट्स में एक्स की वैल्यू क्या बैठाते हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होता है तो हम लोग एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू वन बैठाते हैं ना, अपने माइनस वन प्लस वन वाला लफड़ा नहीं रखते हैं, भूल गए क्या? वन से, सुनो, वन से बहुत कम है या वन से हल्का सा ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में चला गया, वन से एकदम हल्का सा कम है एक्स या वन से हल्का सा ज्यादा है एक्स, इस वजह से x की जगह अपने क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, वन। अच्छा
हाँ सर ये बात याद आया, हाँ सर ये बात बिल्कुल याद आया सर, बिल्कुल याद आया। और राइट सर समझ में आ गई बात, और राइट सर समझ में आ गई है बात। और बोले सर आप, और बोले सर आप, ठीक है हम आगे बात करते हैं, ठीक है हम आगे बात करते हैं, बोलिए सर। हाँ क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है वो हम आप लोग को बता देता है, इन्होंने पूछा है हम बता देता है, ये भी एक डाउट है स्टूडेंट का। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रूट थ्री माइनस एक्स बाहर में माइनस वन होल डिवाइडेड बाई टू माइनस एक्स, अपने को करना क्या था, इवेल्युएट करना था। सर सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि सर सबसे पहले अपने बोलते हैं वो कर लेना, सब्स्टिट्यूट कर ले। तो अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है, देखो दोस्त रूट ओवर थ्री माइनस जीरो यानी कि रूट ओवर थ्री माइनस वन होल डिवाइडेड बाई टू माइनस जीरो यानी कि टू। ओ माय गॉड सर यहां पर तो आपका जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया। हम बोला हां अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया तो सम खत्म, दिस इज द आंसर। नहीं आया तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्या करें, हम आप लोगों को क्या बोला था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अगर जीरो बाई जीरो आए या सिंपली स्पीकिंग इंडिटर्मिनेट आए तो आप लोग आगे एक्सरसाइज करो ना। यहां पर तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मेरा एग्जैक्टली फाइनाइट वैल्यू आया तो हम छोड़ दिया बस सम को। समझ आया, हाँ सर आपका बात समझ में आ गया सर। अब चलिए सर, अब चलिए बात को आगे लेकर चले सर, चलिए बात को आगे लेकर चले। बोलिए सर, बोलिए ध्यान से सुनिएगा, सब कोई का अटेंशन यहाँ होना चाहिए, कोई और कहीं ध्यान नहीं देगा, सब कोई प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। सर बात ऐसा है, सर बात ऐसा है कि अपने लोग को, अपने लोग को क्वेश्चन क्या बोला या अपने लोग का थ्योरम्स क्या है, थ्योरम टाइम, ठीक है ना। थ्योरम ये है पहला वाला कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सुने आप लोग, अगर लिमिट x टेंड करता है जीरो को, ओनली जीरो को, तब आपका जो e द पावर x माइनस वन बाई एक्स जो होता है ना सर, हाँ सर बोलिए, वो किसके बराबर होता है मालूम, नहीं सर आप बताइए, आप बताएंगे तो ना पता चलेगा, तो सर वो होता है, सुन लीजिए, हाँ सर बोलिए हम लोग सुन रहे हैं, e द पावर x माइनस वन बाई एक्स है अगर, तो अगर और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है तो सर देन दैट विल इवेंचुअली टेंड अमाउंट टू वॉट, वन, ठीक है। सिमिलरली एक और थ्योरम आप लोग को सिखा रहा है, बोलिए क्या, बोलिए क्या, इनफैक्ट रुकिए, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो ए द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स आपका लॉग ए होगा, कितना होगा सर आपका लॉग ए होगा। अच्छा सर ये बात है, हाँ सर ये बात है, हाँ सर ये बात है, ठीक है सर। पहले इस चीज को फील कीजिए, ठीक है ना, उसके बाद हम सम करके बताएगा, उसके बाद हम सम करके बताएगा, पहले इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है सर। अब आप बोलिए सर, अब आप बोलिए, ध्यान से सुने आप लोग, एक क्वेश्चन के थ्रू हम आप लोग, अच्छा ई क्या है सर, ये ई क्या है, एक क्वेश्चन और आएगा कि सर ये ई क्या है और ए क्या है, हम बता देते हैं। ई का मतलब होता है ऑयलर नंबर, ऑयलर नंबर सर, ऑयलर, ऑयलर के बारे में तो पहले सुना हुआ है सर, वही क्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट बनाया था, हाँ जो इमेजिनरी नंबर्स आई आयोटा बनाया था वही है ऑयलर। ऑयलर एक नंबर बताया, ऑयलर एक नंबर निकाला, जैसे पाई है, पाई क्या होता है 22/7, पाई क्या होता है 22/7 3.14 सो एंड सो फोर्थ, बराबर सर बराबर, ठीक इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स सुन लीजिए, ठीक इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, जैसे पाई का एक वैल्यू होता है 3.14, वैसे ई का भी एक वैल्यू होता है, इट इज 2.78 समथिंग समथिंग समथिंग। अपने को क्या कोई एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब है, ना नहीं, अपने को ई को ई की तरह ही लिखते जाना है, पहली बात तो ये, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ए क्या है सर, ए एक कांस्टेंट है। आप लोग कैसा सम्स किए हो, आप लोग ऐसा सम्स किए हो ना जहां पर एक्स द पावर एन होता था, मतलब एक्स बेस होता था और एन एक नंबर होता था, एनी नंबर 2, 3, 4 वॉट एवर इट इज। अभी द टेबल्स हैव टर्न्ड, ये जो नंबर है n वो नीचे आ गया है तो उसको हम लोग a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो वेरिएबल है x वो ऊपर चढ़ गया है। ओ a मतलब एक कांस्टेंट नंबर है और x उसका पावर चला गया, करेक्ट।
मतलब वेरिएबल पावर में चला गया। पहले क्या था, पहले आप लोग एक्स द पावर एन करते थे ना, तो ये होता था वेरिएबल और ये होता था आपका, जी हाँ, कॉन्स्टेंट। अब द टेबल्स हैव टर्न्ड, अब ए नीचे आ गया और जो वेरिएबल है वो ऊपर चला गया। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये थ्योरम रियलाइज करने के बाद अपने सम करें, अपने सम करें, बिकॉज टाइम पास से कुछ नहीं होगा। ऑल राइट, सो सर चलिए आइए क्वेश्चन बताइए हमें। हम बोला देखें ध्यान से, अगर आप लोगों के नोट्स में और आप लोगों के किसी भी बुक को आप फॉलो करें, ठीक है ना, पहला बात मेरा नोट्स इनफ है। अगर आप लोग कोई भी नोट से प्रैक्टिस करें तो एक बात ध्यान रखें, वो क्या, वो ये माय डियर फ्रेंड्स कि हॉस्पिटल थ्योरम, एल हॉस्पिटल थ्योरम आप लोग यूज नहीं करोगे। ओके, क्वेश्चन है ये बाई एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है अपने लोग का। सो सर आप बताएं कि कैसे करना है। हम बोला देखो, ई को देखते ही तुम्हारे मन में लड्डू फूटना चाहिए। क्या फूटना चाहिए? लड्डू फूटना चाहिए। और तुमको क्या याद आना चाहिए? तुमको ये याद आना चाहिए दोस्त कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, सर बताएं हैं कि ई द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू वन होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, बट हाउ वुड वी सॉल्व दिस सम सर, बिकॉज ऊपर में तो 4x है। हम बोला दिमाग लगा, अगर ऊपर में 4x है तो तेरे को नीचे में भी 4x चाहिए, तभी तुम 1 लगा सकता है। हाँ सर, सही बोले आप। तो हम क्या बोलता है, अच्छा सर सबसे पहले वो फॉर्मेलिटी नहीं करे क्या? कौन सा फॉर्मेलिटी? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का कर। 4 इंटू एक्स कितना होता है? 0। एक्स की जगह 0 बैठाया तो 0 माइनस 1 बाई 0, ई द पावर 0 कितना होता है? 1। अरे एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। आप ही का इंतजार था इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, आगे सुनिए, अब अपने लोग क्या करेगा, सुनो आप लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अपने लोग क्या करेगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि अपने को देखो पावर में ई के 4x है तो अपने को इसको भी 4x में ले जाना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल, तो ई द पावर 4x माइनस 1, हम नीचे वाला को 4 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 4, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 4। अब क्योंकि नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और हम आप लोग को क्या सिखा रखा है कि 4 का इसमें कोई काम नहीं है तो उसको बाहर ले लेते हैं, उसको बाहर ले लेते हैं। तो क्या हुआ, 4 लिमिट x टेंड्स टू 0, सुनो, e द पावर 4x माइनस 1 बाई 4x। बात अभी भी पूरा नहीं है, तुम लोग में से कोई अगर ये सोच रहा है कि e द पावर 4x माइनस 1 बाई 4x को हम 1 बैठा दे तो भी गलत है अभी भी। क्यों सर, अब क्या गलती है? क्योंकि तुम ध्यान से देख, x माइनस 1 बाई x है तो x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो यार वैसे यहां पर x का जगह 4x है, तो यहां पर भी जब x टेंडिंग टू 0 है तो उसकी जगह 4x होना चाहिए। और ऑब्वियस सा बात है यार कि अगर x टेंड्स टू 0 है, बोथ साइड तुम 4 मल्टीप्लाई करेगा तो 4x भी तो 0 को ही टेंड करेगा। सर सही बोलते हो आप, तो यानी कि 4 और e द पावर 4x, सुनो, e द पावर 4x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 4x आपका कितना होगा? सर 1 होगा, 1 होगा। सो इवेंचुअली व्हाट इज योर आंसर? सर 4, 4 मेरा आंसर है, 4 अपना आंसर है, सम खत्म। सर एक बार सब कोई कंफर्म करिए कि आप लोग को क्लियर है, तब आई विल प्रोसीड। और अगर कोई डाउट है तो क्या डाउट है वो भी बताइए प्लीज फटाफट, एवरीबॉडी डू इट फटाफट एकदम। क्लियर 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 है, गुड, सबके सब बोलिए तब मजा आएगा। यस, ऑल राइट देन, यस क्लियर है सर। चलिए सर देन आगे बढ़ते हैं, अपने लोग अगर क्लियर है तो। क्वेश्चन, ओके सर, 4 कहां से आया? माय डियर फ्रेंड आपने कहा 4 कहां से आया, माय डियर फ्रेंड आप देखिए, क्वेश्चन में e द पावर 4x माइनस 1 बाई x था, ठीक है ना।
अब आप लोग ध्यान दीजिए, हमारे फ्रेंड ने पूछा कि 4 कहां से आया। माय डियर फ्रेंड, e द पावर x माइनस 1 बाई x 1 होता है, करेक्ट। तो अगर अपने को इसको 1 लिखना है जो ब्रैकेट में है, तो e द पावर 4x माइनस 1 बाई 4x होना चाहिए। अपने पास तो 4x था ही नहीं, तो हमने क्या किया, नीचे में भी 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर वाला 4 ये रहा और नीचे वाला 4 इसका पार्ट बन गया। तो e द पावर 4x माइनस 1 बाई 4x पूरा का पूरा 1 हो गया और ये बाहर में 4 वैसे का वैसा रह गया। तो 4 इंटू 1 4 सर अब बात क्लियर है, अब बात क्लियर है। अब हम चाहता है आप लोग एक क्वेश्चन करें। आई विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बट देन हम चाहता है कि पहले आप लोग इनिशिएटिव लें और मेरे को बताएं आप लोग का क्या आंसर आया। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e द पावर 2 प्लस x माइनस e द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई x। ठीक है, हाँ सर ठीक है, कर लेगा हम लोग, करिए, हम वेट कर रहे हैं आप लोग के रिस्पॉन्स का। उसके बाद आई विल प्रोसीड। सर आप बताइए, ओके हम बताते हैं, सुने आप लोग। सबसे पहले सर पता ही है, पहले हम लोग मैदान में जाएंगे, हार के आएंगे, फिर हम लोग जीतेंगे। सर मतलब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, e द पावर 2 माइनस e द पावर 2 बाई 0 यानी कि 0 बाई 0। ओ माई गॉड सर, हम लोग हार गए जंग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वेरी गुड, एक जन का आंसर आ गया, अमेजिंग। चलिए आगे बात करिए सर। तो देखिए अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए e द पावर 2 प्लस x है। अब बचपन में अपने सीखे थे ना, जब बच्चे थे अपने लोग, कि क्या सीखे थे सर जरा बताना, जब हम लोग बचपन में x द पावर m इंटू x द पावर n को आप x द पावर m प्लस n लिख सकते हो, बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर z होगा। सर बिल्कुल होगा, अरे यार वही चीज तो कर रहा है, e द पावर 2 प्लस x है। तो इसको आप लोग क्या लिख दोगे, e द पावर 2 इंटू e द पावर x माइनस e द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई x, करेक्ट। हाँ सर करेक्ट। अब ध्यान से सुने आप लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 e द पावर 2 लिख लिया आप लोग, हाँ सर लिख लिया, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, e द पावर x माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स, सर सही है। अब आप लोग दिमाग लगाओ, ये जो e द पावर 2 है ये तो एक कांस्टेंट है, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि तो इसमें x है ही नहीं, तो इसको हम लोग बाहर रख देते हैं। भैया तुम बाहर रहो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, सर ये 1 होता है, हाँ ना बोलो ना, हाँ ना बोलो, हाँ सर। तो यानी कि e द पावर 2 इंटू 1 यानी कि e द पावर 2, सम खत्म सर, सम खत्म, ब्रिलियंट। काफी लोगों का आंसर आ गया था, दिवांश, रोशनी, वेरी गुड। ऑल राइट देन मेट्स, चलिए आगे बढ़िए। दोस्तों एक क्वेश्चन रहे, एक क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का नाम हम लोग रखेंगे क्या, जाते। इस क्वेश्चन का नाम अपने लोग रखेंगे जाते। ठीक है, हाँ सर बताइए क्वेश्चन क्या है। आइए सर, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए द पावर एक्स माइनस बी द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स, बराबर सर, बराबर, ठीक है सर, ठीक है। और बोलिए सर आप,
हाउ डू वी सॉल्व दिस सम सर? आप लोग को पता है सर क्या बोलने वाले हैं? पहले अपने को क्या करना है, जंग में हार के आना है, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके आना है। तो सर अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ए द पावर जीरो का तो है, समझ रहे हो ना, ए द पावर जीरो माइनस ए द पावर जीरो बाई जीरो, जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो बैठाया, ए द पावर जीरो वन, मतलब ये सॉरी बी द पावर जीरो होगा, जो भी है वन माइनस वन बाई जीरो, यानी कि जीरो बाई जीरो हो गया। करेक्ट सर, करेक्ट। विच इज वॉट, विच इज इनडिटर्मिनेट, विच इज इनडिटर्मिनेट। ठीक सर, ठीक। आगे बात करिए सर आप। हम अब बोलता है कि अब सर कैसे करें? आप लोग को अब इस फॉर्मूला का याद आना पड़ेगा। जिसको नहीं आ रहा है, क्यों नहीं याद आ रहा है भाई तुमको, क्यों नहीं याद आ रहा है तुमको? तो ये देखो सर, ये कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए द पावर x माइनस वन बाई x इज इक्वल्स टू log a होता है। हाँ सर, ये बात तो आप अभी ऊपर में बताए, हम बोला करेक्ट। अब देखो इसको करना कैसे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन सर इसके लिए तो आपके पास माइनस वन होना चाहिए, यहां पर तो आपके पास ए द पावर x माइनस बी द पावर x है। हम बोला यार ये तो टेंशन वाला बात है, सर बताइए ना कैसे करें। हम बोला देख, टेंशन तो अपने को लेना नहीं है। क्यों सर? अगर नहीं है कोई चीज तो उसको ले आओ। तो सर कैसे ले आए, माइनस वन? अरे सर माइनस वन आप कैसे ले आए? हम बोला रुक जा, माइनस वन लाके गलती किया ना। हाँ सर गलती की है, तो प्लस वन कर दे फिर, माइनस बी एक्स प्लस वन। तो हम ऊपर में प्लस वन माइनस वन किया तो मैथमेटिकली आई एम नॉट इनकरेक्ट, आई एम करेक्ट मैथमेटिकली। हाँ सर करेक्ट, होल डिवाइडेड बाई एक्स। सुनो गेम कैसे खेले है? अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको बोलते हैं एक तीर से दो निशाने। क्यों? अभी देखो दिखेगा क्यों हम ये बात बोला कि एक तीर से दो निशाने लगाएं अपने, वो देखो आप लोग। ए एक द पावर एक्स माइनस वन, अगर आप माइनस कॉमन ले लो, ये तो ब्रैकेट में रख लो आप, और अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो आपका क्या हो जाएगा, बी द पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। हाँ सर होता है। ओ बाई एक्स बराबर सर, बराबर। अब तो सर अच्छे दिन आ गए अपने, x टेंड्स टू जीरो ए द पावर x माइनस वन बाई एक्स, अब बीच में माइनस है तो माइनस वापस से लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दो लिमिट्स में हम सेपरेट कर लिया सिंपली स्पीकिंग, b द पावर x माइनस वन बाई एक्स बराबर। सर ये कर सकता है? हाँ सर कर सकता है। अरे बचपन में नहीं किए क्या सर? क्या चीज बोलो तो? अरे बचपन में अपने करते थे ना कि a प्लस बी बाई सी होता था, तो इसको ब्रेक कर सकते थे ना a बाई सी प्लस बी बाई सी में। हम भी यार वही किया है, ए द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स अलग, फिर माइनस लिखकर वापस से बी द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स अलग। सर ठीक बोलते हो सर, आगे बोले आप। बस अब आगे क्या है, ए द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होता है, लॉग ए होता है। ओ माइनस बी द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, लॉग बी होगा। वेरी वेरी गुड। और आप लोग को ये बात बता देते हैं, अगर आप लोग को नहीं पता है कि अगर लॉग ए माइनस लॉग बी है तो इसको लॉगरिदम्स का प्रॉपर्टी यूज करके लॉग ए बाई बी भी लिखा जा सकता है। भूल गए हो तो याद दिला देते हैं, याद दिलाना मेरा काम है सर। लॉग ए बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर, और वैसे ही लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ये लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज है माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड। एंड देयरफॉर वी हैव इट, ये अपने लोग का आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। होपफुली योर डाउट्स आर क्लियर, प्लीज से यस और नो, प्लीज से यस और नो। हां सर क्लियर है, हां सर क्लियर है। ऑल राइट तो दोस्तों जैसा कि हमारी कमिटमेंट थी शुरुआत में, देखें हम लोगों ने चारों बॉक्सेस को टिक कर दिए, कंटिन्यूटी करवा लिया, डाउट्स बता दिया, ई द पावर एक्स वाला करवा दिया, ए द पावर एक्स वाला करवा दिया, राइट। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। टाटा एवरीवन।
बाय बाय।